भारत लॉकडाउन का सोमवार को भी व्यापक असर नजर आया। भारत लॉकडाउन के तहत प्रशासन और पुलिस मंगलवार को और सख्त होती नजर आई। प्रशासन और पुलिस द्वारा कई दिनों समझाइश के बाद भी लोगों के घरों में नहीं रहने पर अब सघन जांच व कार्रवाई का दौर शुरू किया गया। पुलिस द्वारा अनावश्यक बाजारों में घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। प्रशासन व पुलिस की सख्त कार्रवाई के साथ कई अधिकारियों ने भी शहर का दौरा कर व्यवस्थाओं को जांचा। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बालोतरा का दौरा कर व्यवस्थाओं को जांचा। बाड़मेर से सुरेश सिंह सोढ़ा व बालोतरा से अनिल वैष्णव की रिपोर्ट। देश भर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण जैसी महामारी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार लगातार एडवाइजरी जारी कर लोगों को घरों में रहने की अपील कर रही है। वहीं प्रत्येक जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को सख्ती बरतने के निर्देश के साथ लॉकडाउन की पालना के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए बाड़मेर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है और लगातार पुलिस के अधिकारी शहर के विभिन्न चौराहों और मुख्य मार्गों का भ्रमण कर लॉकडाउन की पालना को सुनिश्चित कर रहे हैं। मंगलवार को DYSP पुष्पेंद्र सिंह, DYSP धन्नापुरी गोस्वामी समेत चेतक वाहनों ने शहर का दौरा कर जायजा लिया और लोगों से अपने घरों में रहने की हिदायत दी। वहीं शहर के मुख्य चौराहों अहिंसा सर्किल, शहीद सर्किल, चौहटन चौराया, राय कॉलोनी, गांधी चौक, तनसिंह सर्किल समेत कई प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल तैनात नजर आए। मुख्य चौराहों पर पुलिस बलों ने आवाजाही करने वाले वाहन चालकों से सख्ती से पूछताछ कर अनावश्यक घूमते पाए जाने पर वाहन सीज करने एवं चालान काटने की कार्रवाई की गई। हालांकि मंगलवार को कुछ ही लोग सड़कों पर नजर आए। वहीं शाम को पुलिस अधिकारियों और जवानों ने बाइक पर सवार होकर शहर भर का दौरा किया। वहीं बालोतरा कस्बे में लॉकडाउन की पालना को लेकर पुलिस सख्त नजर आई। मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक ने आनंद शर्मा ने बालोतरा ASP नरपत सिंह, DSP सुभाष चंद्र खोजा एवं बालोतरा थानाधिकारी निरंजन प्रताप सिंह बैठक कर लॉकडाउन की पालना को लेकर समीक्षा की। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक शर्मा ने बालोतरा पुलिस के अधिकारियों पुलिस जाब्ते के साथ जोधपुर रोड, समदड़ी रोड, बालोतरा शहर समेत मुख्य बाजारों का दौरा कर जायजा लिया। जिला पुलिस अधीक्षक ने आमजन से भी सिर्फ आवश्यक कार्य के लिए ही घर से बाहर निकलने की अपील की। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन के दौरान आमजन को आ रही समस्याओं को लेकर भी पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा की।